अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की स्टूडियो आपसे जो है द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर प्राइवेट सेक्टर का इंस्टीट्यूट है, इसके जो है ना स्प्रिंग 2023 के एडमिशन जो है ना ओपन हो चुके हैं बीएस एमफिल और एमएस प्रोग्राम में, पीएचडी प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये आप इनकी वेबसाइट से भी देख सकते। सबसे पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा कि किसकी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ओपन हुए हैं, जिनमें सबसे पहले आप फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के एमएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमएस और पीएचडी दोनों में, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी एमएस और पीएचडी दोनों में, सिविल इंजीनियरिंग में भी एमएस और पीएचडी दोनों में, और टेक्नोलॉजी में बीएस इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एमएस में, ठीक है। उसके बाद जो है ना फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बीएस कंप्यूटर साइंस, एमएस कंप्यूटर साइंस, पीएचडी कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एमएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पीएचडी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ लॉ में कॉलेज ऑफ लॉ, ठीक है, एलएलबी 5 ईयर एंड बीएस क्रिमिनोलॉजी 4 ईयर। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में एलएलएम में भी एडमिशन जो है ना ओपन हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में बीएस फार्माकोलॉजी एंड एस फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी एमफिल और पीएचडी वगैरह के डिफरेंट डिग्रीज प्रोग्राम है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ साइंस में बीएस एमफिल और पीएचडी के डिफरेंट डिग्रीज प्रोग्राम है। इन्वायरमेंटल साइंस में बीएस और एमफिल और केमिस्ट्री में भी बीएस और पीएचडी में एडमिशन ओपन हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स बीएस मैथमेटिक्स, ठीक है, आर एलिजिबल फॉर 5th सेमेस्टर्स के एडमिशन है, ठीक है, एमफिल मैथमेटिक्स में भी। मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक में बीएस जोलॉजी बॉटनी बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स बायो टेक्नोलॉजी बीएस बायोटेक्नोलॉजी 5th सेमेस्टर में, ठीक है, और बीएस इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। एमफिल के डिफरेंट डिग्रीज प्रोग्राम है ऐसे ही, और पीएचडी के डिफरेंट डिग्रीज प्रोग्राम है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ लाइट हेल्थ साइंस के डिफरेंट डिग्रीज प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें रेडियोलॉजी साइंस एंड मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी बीएस और बैचलर इन मेडिकल इंजीनियरिंग साइंस 5 ईयर प्रोग्राम है। उसके बाद फिजिकल थेरेपी 5 ईयर का प्रोग्राम है, डाइट एंड न्यूट्रिशन साइंस 5 ईयर का प्रोग्राम है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बीएस एमफिल और पीएचडी में, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, ठीक है, जिसमें जो है ना बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस 5 ईयर और एमफिल और पीएचडी। उसके बाद ऑप्टोमेट्री एंड वीएन साइंस में 5 ईयर और पब्लिक हेल्थ बीएस और एमफिल में। उसके बाद हेल्थ प्रोफेशनल टेक्नोलॉजीज जिसमें बीएस के सर्जिकल टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी टेक्नोलॉजी, इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी, उसके बाद क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी, उसके बाद रेस्पिरेटरी थेरेपी और बीएस ऑपरेशन थिएटर जो ना टेक्नोलॉजी के डिफरेंट डिग्रीज प्रोग्राम है। उसके बाद रिहेबिलिटेशन साइंस में डिफरेंट डिग्रीज प्रोग्राम है, जिसमें बीएस और एमएस के एडमिशन ओपन हुए हैं। स्पोर्ट्स साइंस में बीएस और एमफिल के एडमिशन ओपन हुए हैं। उसके बाद इमर्जिंग अलाइड हेल्थ टेक्नोलॉजी में बीएस और के एडमिशन ओपन हुए हैं। फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर में बीएस और एमफिल के एडमिशन ओपन हुए हैं, और डिपार्टमेंट उर्दू डिपार्टमेंट में, ठीक है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर में स्कूल ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स, जिसमें बीए बीएससी बीएफए के और एमफिल और पीएचडी के डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस में लॉ और बिजनेस स्कूल में बीबीए 2 ईयर, बीबीए 4 ईयर, एमबीए 2 ईयर, ठीक है, एमफिल मैनेजमेंट साइंस, सप्लाई चेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह। उसके बाद एमएस और एमएस सप्लाई चेन मैनेजमेंट। उसके बाद जो है इकोनॉमी बीएस एमफिल और पीएचडी, लाहौर स्कूल ऑफ एविएशन बीएस एविएशन मैनेजमेंट और स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस। उसके बाद अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के डिफरेंट डिग्रीज प्रोग्राम, जिसमें बीकॉम एडीपी 2 ईयर, बीकॉम ऑनर 4 ईयर, बीएस एमएस एमफिल और इस्लामिक स्टडी के डिफरेंट डिग्रीज प्रोग्राम है। लाहौर स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडी एजुकेशन, स्कूल ऑफ इंटीग्रेटिव सोशल साइंस के डिफरेंट डिग्रीज प्रोग्राम है। ऑनलाइन ही आपने अप्लाई करना है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन लास्ट डेट 10 फरवरी है। एंटी टेस्ट और इंटरव्यू जो है वो 12 फरवरी को होगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी वो 13 फरवरी को होगी, ठीक है। ये एक दफ़ा आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। एडमिशन ऑफिस इज ऑल्सो ओपन ऑन सैटरडे एंड संडे, ठीक है। कोई भी आपको मसला हो तो आप एडमिशन ऑफिस जो है ना कंसल्ट कर सकते हैं। ये इनकी वेबसाइट है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने अपना अपना नेम लास्ट नेम एंटर करना है, ठीक है। पाकिस्तान या ओवर सीरीज अगर कोई पाकिस्तानी है या कोई भी है तो वो यहाँ से जो है ना सेलेक्ट कर सकता है। सिटी जोन सी भी है आपकी, ठीक है, वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी है, टेलीविजन
ठीक है, ईमेल एड्रेस आपने अपना एंटर करना है, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर और सेलेक्ट द कैंपस यू आर अप्लाइंग। ठीक है, लाहौर और जो सरगोधा कैंपस है उसमें भी डिविजन ओपन है, ऐसे ही आपने यहाँ पे रजिस्टर कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने जो है ना रजिस्टर ईमेल, यहाँ पे अपनी वही ईमेल लगानी है, पासवर्ड जो है ना वो आपको मिल जाएगा ईमेल के थ्रू, और यहाँ पे लॉग इन कर देना है। ठीक है, फर्दर जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपना नेम वगैरह, एड्रेस वगैरह, अपनी पिक अपलोड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने अकेडमिक डिटेल सारी जो है ना वो उनके साथ शेयर करनी है। ठीक है, और उसके नेक्स्ट स्टेप में जो है ना आपने ये बताना है कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना अपनी फ़ी वगैरह सबमिट करवानी है, अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड का ऑप्शन आ रहा है तो वो आपने अपलोड करने हैं। ठीक है, बाकी फ़ीस वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, एडमिशन गाइडेंस भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट जो है ना वो क्या एग्रीगेट पे जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फ़ीस के लिए जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है ना फ़ीस वगैरह अपनी जो है ना चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं कॉलेज ऑफ लॉ की फ़ीस चेक करूँगा क्योंकि ये एक जो है ना प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो इसकी फ़ी जो है ना दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ये आपको यहाँ पे फ़ी जो है ना फ़ी स्ट्रक्चर सारा मिल जाएगा। ठीक है, फ़ी स्ट्रक्चर ऑफ स्प्रिंग 2023 बैचलर ऑफ लॉ। ठीक है, यहाँ पे कोर्स और क्रेडिट आवर्स और ट्यूशन फ़ी वगैरह सब कुछ मिला के टोटल सेमेस्टर फ़ी जो फर्स्ट सेमेस्टर की है वो 1,62,000 है। ठीक है, ऐसे जो है ना टोटल सेकंड सेमेस्टर की 1,62,000, 1,80,000। ठीक है, तो ऐसे जो है ना आपको बीएस क्रिमिनोलॉजी और एंड क्रिमिनल जस्टिस की भी यहाँ पे जो है ना फीस स्ट्रक्चर जो है ना मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरे डिपार्टमेंट की अगर चेक करना चाहते हो तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। एडमिशन गाइडेंस, तो यहाँ से आप जो है ना अपना एडमिशन गाइडेंस वगैरह चेक कर सकते हैं। यही जो मैं चीज़ें आपको बता चुका हूँ, इंस्ट्रक्शन जो है जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट, ठीक है, वो यहाँ से आप जो ना देख लीजिएगा अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए। ठीक है, इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआ में यहाँ लिखेगा।